ये TVS विक्टर 3 VL वाली बाइक है और इसका हमने फुल इंजन बनाया, जिसमें कि फुल इंजन बनाने के बाद गियर में शिकायत होने लगी। और पहले से भी इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, बंद पड़ी बाइक आई थी हमारे पास, ये बाइक स्टार्ट नहीं था, ठीक है, चलते हुए अचानक ये बंद हो गई और किक भी इसका जाम हो गया था। तो मैंने पूरा इंजन से खोला था, टाइमिंग चेंज का जो टाइमिंग है वो आउट हो गया था। और फिर सारा चीज़ काम करने के बाद बहुत सारा काम किया, जैसे कि बोर का काम किया हमने, करेंट का काम किया, टाइमिंग चेंज बदला, और क्लच का काम करने के बाद जो है हमने देखा कि गियर की समस्या आने लगी, गियर इसमें फंसने लगा गाइस। तो हमने ये देखा गाइस कि पहले से भी जो है यहाँ पर ये गियर का जो शाफ्ट देखते हैं, जो कैम है, इसमें जो है ये क्लच हाउसिंग जो है टकरा रहा था, ठीक है। तो हमने इसका क्लच हाउसिंग का जो रबड़ है वो बदलवा दिया। अब ये जब मैं लगा रहा हूँ तो इसका जो गियर है वो फंस जाता है, गियर आगे पीछे मतलब एक होता है फिर फंस जाता है, नहीं काम करता, अच्छे से काम ही नहीं करता मतलब, ठीक है, न्यूट्रल भी नहीं हो रहा था। तो हमने क्या क्या देखा इसमें बीमारी आपको बता दे रहे हैं। एक तो इसका क्लच हाउसिंग जो है वो ख़राब है, क्लच हाउसिंग का जो ये बीच वाला पार्ट है ये पले है, ये जब पले हो जाएगा, ये पले होने की वजह से ये हाउसिंग जो है, ये वाला पार्ट, ये कटोरी जो है, ये इससे टकराने लगता है और कभी कभी हड़गड़ाहट जैसा, गड़गड़ाहट जैसा आवाज़ भी आता है। गड़गड़ाहट जैसा आवाज़ आता है तो आपको क्लच साइड में ये खोलना होगा और क्लच हाउसिंग और ये बुश दोनों आपको बदलना होगा, ठीक है। तो हमने ये न्यू ले आया। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या हमने देखा गाइस इसमें क्या है कि एक लॉक होता है, ये देखिए एक वाशर ये हो गया, इसमें एक ये वाशर हो गया, ये जो वाशर देख रहे हैं, ठीक, ये वाशर गाइस यहाँ पे लगता है इस तरीके से। और ये लगने के बाद जो है यहाँ जब हम अंदर डालते हैं तो फिर इसको हल्का घुमा के, थोड़ा इसको हम घुमा के फिर इसको ऐसे बीच में रखते हैं, ये देखिए इसको थोड़ा इसे घुमाना होता है। अब बीच में थोड़ा हॉल बच गया, अब ये जब हॉल बचता है तो हम एक वाशर डालते हैं इसके ऊपर से, वाशर डालने के बाद इस वाशर को लॉक कर देता है, यानी कि ये लॉक वाशर डालने के बाद इस वाशर को लॉक करता है, फिर हम क्लच हाउसिंग को लगाते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि ये जो इनपुट शाफ्ट है थोड़ा क्लच ये गियर के अंदर से जो थोड़ा सा पले रह सके, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इसका ये वाशर का जो टूट जाएगा, इसका लॉक अगर टूट जाता है तो इस वाशर को पकड़ नहीं बना पाएगा और ये फ्री हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि ये वाशर जो है गाइस ये टूट गया, ये लॉक वाला वाशर टूटा हुआ है। तो बहुत ही मुश्किल से हमें ये सामान लाना पड़ा, हमारे एरिया में नहीं ये मिला, तो मैंने बहुत कोशिश करके इस पार्ट को लिया, ये देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इसमें क्लच हाउसिंग नया डाल रहे हैं, क्लच हाउसिंग के साथ ये बुश भी हम नया डाल रहे हैं। ये क्लच हाउसिंग आपको TVS विक्टर, TVS स्टार सिटी प्लस, TVS स्पोर्ट 110 cc में जो न्यू आ रहा BS6, ये सब का एक ही मॉडल का होता है। तो ये देखिए ये कुछ तरीके से होता है, ये हमने पूरा नया ले आया, पूरा क्लच हाउसिंग और बुश भी न्यू ले आया, इसके साथ ही हमने एक वाशर भी लिया, क्योंकि अक्सर गाइस हमें ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती है। तो ये देखिए हमने ये वाशर लिया और ये कुछ इस तरीके से होता है, तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं इसका काम क्या, आपको बता दे रहे हैं। ये जो देख रहे हैं अंदर में वाशर, इसको थोड़ा सा इस पार्ट पे लाना होता है और फिर इसको हम इधर बीच में से घुसा देते हैं और इसको लॉक कर देता है, ठीक है। नहीं पिला सर, इसको ऐसे डालेंगे और ये देखिए ये फंस गया बीच में जाके। अब यहाँ पे हम क्लच हाउसिंग लगाएंगे, देखिए ये क्लच हाउसिंग हमने इस तरीके से लगा दिया। अब जो है ये क्लच हाउसिंग इस गियर के इस कैम से टच नहीं करेगा और ये नहीं फंसेगा, ठीक है। ये करने के बाद जब हम
क्लच प्लेट सेंटर आपको लगाएंगे और टाइट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगी। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, जब मैं इस क्लच को सेटिंग करता हूँ तो गियर जो है अटक जाता है। अभी इसको सेटिंग करके हम चेक करेंगे। चेक करो गियर उधर फ्री है कि नहीं। उधर ये सेटिंग करने के बाद जो है गियर भी अब काम करने लगा। मर गए चेक करो। हाँ हुआ ठीक है। इधर करो देखिए ये फ्री हो गया। पहले क्या होता था ये जाम कर जाता था है? ये जो है ये आउटपुट शाफ्ट जो है जाम कर रहा था जब मैं क्लच को फिटिंग करता था। तो अभी बिल्कुल ओके हो गया। फिर इसको लगा दो और सेटिंग कर दो।